गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, यानी इवनिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यही आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके वीवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ वांड्स और यहाँ पर साइन है वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन कुंभ तुंदुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए तीन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई अदर पर्सन है जो आप दोनों को अलग करने की, जुदाई देने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। यहाँ पर आपका पर्सन सिर्फ और सिर्फ देखता रह गया आपको अपने से दूर जाते हुए। तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो इन दिनों तो कम पड़ गया है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपने जो प्यार इस पर्सन को दिया था वो कहीं से भी इस पर्सन को नहीं मिल रहा। अगर अभी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, तो ऐसा तो इस पर्सन को लगता है कि ये उड़कर आपके पास आ जाएं, कैसे भी कर से अक्के आपसे मुलाकात कर लें ताकि ये जो दूरियां आप दोनों के बीच बनी हुई है ना ये ख़त्म हो। बट यहाँ पर कोई ना कोई मजबूरी है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे और दूर रह कर ही इस रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ महसूस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की इस वक्त की ना, आपके लिए इमोशन से भरी हुई हैं और ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे फादर या मदर बनेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ के रूप में देख पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फैमिली बनाने में विश्वास करते हैं, न कि तोड़ने में। आपके बारे में जो कुछ भी लोग इस पर्सन को बता रहे हैं या आप दोनों के बीच जो गलतफहमियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन को उनकी चालाकियाँ तो समझ में आ रही हैं, बट ये पर्सन दूर रहते हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अगर दूर रहकर कुछ भी किया तो हो सकता है आपकी मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाए, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँ। तो ये पर्सन चाहता नहीं है आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट करवाना। तो यहाँ पर अदर पर्सन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर आप दोनों का भला तो नहीं चाहती, आप दोनों के बीच डिस्टेंस बनाया हुआ है। ऐसा लगता है आपका पर्सन अपनी मर्जी से तो आपसे दूर नहीं है, बट हाँ मजबूरी की वजह से ज़रूर हो सकते हैं ये पर्सन दूर। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको एक ऐसे रूप में ही देखता है जहाँ पर, जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आपके मन में हैं, जो एक आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, यहाँ क्लियर नज़र भी आ रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, क्योंकि थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना झिझक महसूस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को बताने में और किसी बात का डर भी है, जिसकी वजह से भी ये इस वक्त सिर्फ अपनी फीलिंग्स को होल्ड रखे हुए हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और कुछ भी खुलकर बात नहीं कर रहे ये पर्सन। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो ये पर्सन आपको बता सकते हैं, आपको जता सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार शो कर सकते हैं, बट यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ होल्ड किए बैठा है अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को। तो जो कुछ भी ये इस वक्त महसूस कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में रखे हुए हैं वो सारी ही चीज़ें। और यहाँ पर ये पर्सन वक्त आने पर आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आप भी इस पर्सन से चाहते हैं कि आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये कुछ करें, इस डिस्टेंस को मिटाएं ये पर्सन। तो यहाँ पर देख रहे ना, म्यूचुअल एनर्जी में हमारे पास
नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों कितने बेकरार हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए, अपने जज्बात को एक दूसरे के सामने जाहिर करने के लिए, एक दूसरे की केयर आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपका पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों के मन में जो फीलिंग्स हैं ना, आप दोनों को ही अच्छे से पता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं आप दोनों अच्छे से जानते हैं। बट इस वक्त आपका पर्सन शो करने से घबरा रहा है और आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही वक्त होगा तो आप दोनों एक हो ही जाएंगे। तो ऐसा आपका मानना है और आपके पर्सन का भी इस वक्त ऐसा ही मानना है। ये वक्त ऐसा ही है कि जब ये पर्सन सिर्फ से फील कर रहा है, कुछ कह नहीं रहा। ओके व्यूअर्स, तो इस वक्त ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड किए बैठा है, अपने इमोशंस को छुपाए बैठा है अपने ही दिल में, कुछ कर नहीं रहा, राइट टाइम का सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।